सर नमस्कार, सत श्रीकाल आदाब। आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। आज के इस वीडियो में लेट्स चेक आउट जो UGM का स्पार्कल 2 आया, विच इज़ अ रियली रियली फैंटास्टिक इंस्ट्रूमेंट। सो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो वी डू हैव द स्पार्कल 1 एंड वी हैव नाउ द स्पार्कल 2। थोड़ा सा इनका साउंड को भी सुनेंगे। इससे पहले लेट्स हैव अ लुक एट ये UGM का जो खुद का जो मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, विच इज़ आई थिंक नाउ रियली रियली फैंटास्टिक, जिसके थ्रू आपको जो भी सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड एंड मैनेज एवरीथिंग, सारा लाइसेंस एंड सब कुछ। सो यू कैन सी दैट आई हैव ऑल ऑफ दिस थिंग्स, जो लाइसेंस है, और मैंने ये डाउनलोड नहीं किया, नॉट एक्टिवेटेड, और इस तरीके का दिखा रहा है। और जो मैंने डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है वो दिखा रहा है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। यहाँ पे आप जाओगे तो यू हैव मैनुअल डिटेल्स, मतलब आपको यूज़र मैनुअल भी चाहिए तो यहीं से मिल जाएगा। इसका जो कंटेंट है वो कहाँ पे है, वो चीज़ को अगर आपको इधर उधर करना हो तो उसके लिए भी है। एंड देन इफ़ यू वांट यू कैन अनइंस्टॉल इट, ऑब्वियसली जब आपने इंस्टॉल किया है तो। सो आई थिंक अभी के टाइम पे बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया कंपनीज़ के लिए कि टू हैव अ मैनेजमेंट ऐप जहाँ से यू कैन डाउनलोड द थिंग्स, यू कैन अपडेट द थिंग्स, यू कैन एक्टिवेट डीएक्टिवेट प्रोडक्ट्स एंड ऑल। इफ़ आई गो माई ट्रायल्स, आई डोंट हैव एनी ट्रायल्स। ऑल प्रोडक्ट्स अगर करते हैं तो मैं कोई भी जो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है वो यहीं से उसका ट्रायल ले सकता हूँ। सो यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, आप जा करके अपना रजिस्टर कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी एंड ऑल, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डाउनलोड एंड ट्राई इट फॉर 30 डेज फ्री। एंड ऑब्वियसली मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जो भी चीज़ आपको पसंद आए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द फन पार्ट, जो स्पार्कल है वो काफ़ी फेवरेट रहा है मेरा, क्लीन जो स्ट्रम्ड इलेक्ट्रिक गिटार्स और इस टाइप के साउंड्स के लिए। सो लेट्स हैव अ लिसन टू इट। सो यू कैन सी कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड्स डाल रहा हूँ सीधे सीधे, एंड स्पार्कल जो है बेसिकली रिदम को प्ले कर दे रहा है। एंड इफ़ आई वांट यू कैन सी लाइक स्टाइल फ्रेजेस एंड ऑल, ये जो स्विच हो रहा है की स्विच, मतलब कीबोर्ड के लेआउट, या आप चाहो तो माउस क्लिक करके भी ऑब्वियसली इसको चेंज कर सकता है। आई डोंट थिंक पीपल वुड डू दिस। एंड यू हैव दिस एम सेक्शन, यू कैन चेंज द साउंड, मतलब पिकअप किधर रहेगा, उसमें कितना ग्रिट रहेगा, यू वांट अ डबलिंग और समथिंग लाइक। सो आई डिड लव दिस थिंग। अगर आप यहाँ पे देखो तो देयर आर लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ इंस्पायरिंग प्रीसेट्स, और अलग अलग टाइम सिग्नेचर में भी 3x4 ये वो सब कुछ आपको मिल जाता था इसमें। बट कमिंग बैक टू द न्यू सॉफ्टवेयर, इसमें जो खासियत ये है कि यहाँ पे एक प्लेयर मोड भी इंट्रोड्यूस हो गया है। सो इफ़ यू गो टू प्लेयर मोड, आप इंडिपेंडेंटली स्ट्रम्स को खुद प्ले कर सकते हो। सो ओपन साउंडिंग आर्टिकुलेशन, यू कैन सी ओपन यहाँ दिखा रहा है, देन हाफ म्यूटेड, म्यूटेड एंड ऑल, विल प्ले ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इसके अलावा ये प्लेयर में चलते हैं। नाउ वी डू हैव लाइक मोर प्रीसेट्स एंड मोर न्यू काइंड ऑफ प्रीसेट एक्चुअली, जो थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो तो वी हैव लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिटार का टोनालिटी है, प्लेयर का किस टाइप का वो है, कि वो सॉफ्ट प्ले कर रहा है, हार्ड प्ले कर रहा है, यू नो उस टाइप से जो है। और पिकअप जो है ब्रिज की तरफ है कि नेक का पिकअप है, दिस यू कैन डू। ऑब्वियसली आप ट्यूनिंग को छेड़ सकते हो, वेरियंस को आप छेड़ोगे तो यू नो लाइक जो जितने भी आप स्ट्रम्स करोगे उसके बीच में थोड़ा सा नुआंसेस रहेगा, कोई हार्ड आएगा, कोई यू नो थोड़ा स्लो आएगा, उस तरीके से लाइक दैट। यू हैव गॉट दिस इफेक्ट सेक्शन है ना, जहाँ से आप कोई दूसरा इफेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो, जो यहाँ पे अलग से वैसा इस तरीके से नहीं था फर्स्ट वाले वर्जन में। एंड देन यू हैव अ फिनिशर, जो मतलब बेसिकली इनका पॉपुलर फिनिशर वाले जो प्लगइन्स है उसमें से चुन करके कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो विच इज़ लाइक रियली। तो ये जो इफेक्ट है स्टॉम बॉक्स वाला इफेक्ट, मतलब जो अगर आप अलग से सारा अगर साउंड बनाते हो तो वो एक अलग बात होगी, तो कितना अमाउंट लगेगा, फिनिशर का भी कितना अमाउंट लगेगा, विड्थ का कंट्रोल हो गया साउंड का आपका, कि कितना वाइड साउंड करेगा वो, लाइक फोकस सेंटर में कैसा है, किस तरीके का है। ऑल्सो लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एम्स, क्रंची है वो, अलग अलग टाइप का साउंड, हाउ मच ड्राइव यू वॉन्ट, वॉल्यूम कंट्रोल एंड ऑन। ये रहा माइक्रो टाइमिंग का एडजस्टमेंट, जिससे आप यू नो लाइक अगर मान लो कि 60 BPM पे मैंने यहाँ पे टाइम, मतलब 60 BPM कर रखा होता और मुझे जो स्ट्रमिंग है वो 120 के आसपास चाहिए होता, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डबल कर सकता था। या अगर मान लो कि मैं अभी 120 पे हूँ और मेरे को जो है स्ट्रम है वो हाफ स्पीड में चाहिए, तो मैं उसको हाफ में कर सकता हूँ। सिंपल थिंग्स लाइक दैट, जो फील है, पुश है कि पुल है, नॉर्मल सा फील है, तो थोड़ा सा अनक्वांटाइज टाइप का बजेगा, बट यू नो लाइक मे बी समटाइम्स यू वुड लाइक टू गेट समथिंग लाइक दिस,
क्योंकि क्या रहता है कि जो ओरिजिनल गिटारिस्ट होता है वो हमेशा ही एग्जैक्ट बीट पे नहीं बजाता है। यूजुअली मैं इस तरीके का तिक्रम नहीं अप्लाई करता हूँ कि गानों के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा लेयरिंग करते हैं। सो स्विंग इज समथिंग लाइक कि कोई चीज़ है उसमें स्विंग डालना, विल हैव अ लुक एट इट एंड टाइमिंग जो है टाइट है लूज है कैसा है दैट वी कैन डू। तो इसको बंद करते हैं, ये कीबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसके बारे में बहुत सारा चीज़। अगर मैं इस प्लगइन को ज़रा सा बंद करूँ, नो प्लगइन्स, एंड वापस से खोलूँ, तो ये है इसका पहला प्रीसेट जो यहाँ पे आता है। सो लेट्स हैव अ प्ले। सो वी डू हैव अ फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डू, है ना, कि कॉर्ड्स चला रहे हैं कि हम नोट्स चला रहे हैं। सो इफ वी आर ऑन टू नोट, ठीक है, सो इट साउंड्स डिफरेंट ऑब्वियसली। एंड कॉर्ड्स है तो क्या ये ओपन कॉर्ड्स आप हमेशा ट्रिगर करना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल एज लाइक की अगर आप सिलेक्ट कर लो यहाँ से तो आप कोई सा भी कॉर्ड्स का कुछ भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्ले करो। एक मज़ेदार बात रहा है यूजम प्रोडक्ट्स के बारे में कि आप सस्पेंडेड ऑग्यूमेंटेड डिमिनिश्ड सेवेंथ्स ये वो जो इस टाइप के नुआंसेस होते हैं ना वो सारी चीज़ें भी आसानी से ऐसे की प्रेस करके प्ले कर पाते थे। सो अगर यू नो आपने की सिलेक्ट कर लिया है और आपने कोई कॉर्ड पकड़ा है जो कि बेसिकली उस की में नहीं है तो वो ऑफ नहीं जाएगा, यू नो लाइक उसका आसपास का जो रिलेटेड कॉर्ड होगा उसी को ट्रिगर करेगा वो। आई एम नॉट गोना यूज दैट क्योंकि समटाइम्स हम स्केल के बाहर के बहुत सारे कॉर्ड्स लगा करके चलते हैं मॉड्यूलेशन बेंड से ऑब्वियसली। से पिच बैंड से यहाँ पे नए नए फीचर्स इन्होंने दिए हैं अलग अलग। लेट्स ब्राउज थ्रू सम अदर प्रीसेट्स एज वेल। ओके सो इसे लाइक अलग अलग जो स्टाइल्स एंड फ्रेजेस हम यहाँ से आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बेसिकली आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अगर ये ऑटोमेट कर दो तो यू नो गाने के बीच में आपका पैटर्न्स अलग अलग चेंज हो जाए। सो लाइक इफ वी सी कॉर्ड में मान लो कि हमारा ऐसा पैटर्न है तो जैसा कि आपने देखा जब हम सी प्ले कर रहे थे तो अलग पैटर्न बज रहा था, ए माइनर में अलग पैटर्न बज रहा था, एफ जब प्रेस किया तो अलग पैटर्न बज रहा था। तो इस तरीके से आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो अपने गाने में। लेट्स गो थ्रू सम अदर प्रीसेट्स। सो दिस इज हाउ इट साउंड्स। तो अगर आप सैम्पल की बात करो, अगर ये सारा जितना भी मज़ेदार फीचर्स है इनको बंद कर दें और हम साफ साफ चीज़ को सुने तो यू विल बी एबल टू लिसन टू कि एक्चुअली में जो रिकॉर्डेड साउंड्स है वो कैसा साउंड करता है। रियली रियली गुड साउंडिंग गिटार लाइक ड्राई ड्राई में भी इफ यू वॉन्ट सम मोर यू नो डेप्थ। विड्थ को अगर आप छेड़ोगे सो यू कैन हियर द डिफरेंस इन द साउंड्स राइट। Now, let's say. Suddenly, there is like a dreamy kind of thing. तो इसको हम डायरेक्ट पे डालते हैं मान लो। And let's go to this instrument वाला टैब. And then we have.
ट्रिगर मोड फिलहाल ऑफ है इसलिए कुछ नहीं बज रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, ऑन करते हैं नाउ यार। बिकॉज ऑफ दिस डिले वाला जो चीज है उसका वजह से वो इस तरीके से चल रहा, नहीं तो इट्स हाफ म्यूटेड फुल म्यूटेड। सो अगर आपका यू नो किसी भी कारणवश खुद से पैटर्न्स यू नो लाइक प्ले करने का मन करे एंड यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन जो ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो आप खुद से भी इस तरीके से पैटर्न्स को प्ले कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस सो लेट्स डू समथिंग, let's throw some effects. So this sounds really really interesting to me, inspiring to me as well. So I'm gonna copy this loop, repeat it. Let's get something else as well. YouSynth is a fantastic collection of जो भी sounds imagine कर सकते हो, so like pads, basses, leads and all of the goodness, and अलग अलग libraries हैं इसकी. Let's try and find some interesting sound. चलिए सुनते हैं एक छोटा सा जो चीज अब इंस्पायरिंग सा बन के आया इसकी वजह से। जान मेरी हम तुम्हें चाहते हैं इस कदर मिल गया तू तो मिल गया सब प्यार ऐसा करते हैं। So you can say कि this is the power of inspiration. जब आपको inspiring sounds or tools मिलता है तो obviously you can up your songwriting game. अगर आप serious अपने production के बारे में तो मेरा music production वाला जो app है उसे download करें। अभी 31 October तक जो मेरा complete music production वाला course है वो सिर्फ आप 999 पे पा सकते हैं। It's like a huge discount. It's never gonna come back. Thanks for all your love and support. मुझे उम्मीद है कि ये video आपके लिए helpful रहा होगा। अगर ऐसा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें। और इसी बात के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।